246 ऑल आउट। इंडिया के स्पिन ट्रायो नहीं किया, इंग्लैंड की बैटिंग को कोलैप्स, इंडिया ने पकड़ के बेस बॉल का घंटा बजा दिया। और अब जिस तरह इनकी हालत हुई हुई है ना, ये वो इंग्लैंड है जो 215 की पार्टनरशिप लगाती है बेस बॉल में ओपनिंग में। भाई उन्होंने पकड़ के इंडिया वालों ने उधर ही घुसा दिया जिधर से ये निकले हुए थे, उधर ही पकड़ के बाहर दिया जिधर से ये बेस बॉल वाले निकले हुए थे। अश्विन 3 विकेट, जडेजा 3 विकेट, 2 विकेट निकाली अक्षर पटेल ने, 2 विकेट निकाली बुमराह ने, 246 के ऊपर ऑल आउट कर दिया। 5 खिलाड़ी इंग्लैंड के दूसरे सेशन में आउट हुए हैं और वही चीज हुई है जिसका अंदाजा था मुकम्मल, कि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने तो बेस बॉल का चौक कबाड़ा निकाल के रख दिया है। इंग्लैंड की अगर मैं 10 की विकेटें देखूं, 10 की 10 विकेटों में सिर्फ 2 विकेटें थी जो अग्रेसिव शॉट मेकिंग के ऊपर गई, अदरवाइज इट वाज द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग। जो पाकिस्तान टीम का हाल इंग्लैंड ने किया था, एक दिन में पिंडी में 600 रन मारे थे बेटा, उन्होंने इतना मारा था, जैक करोली, बेन डकिट, ऑयली पोप और हैरी ब्रोक्स, इन चारों ने एक दिन में 100 मार दिया था, इन चारों ने एक दिन में पाकिस्तान को ठोक दिया था। अब वो बेस बॉल इंडिया में आया है, अब वो बेस बॉल इंडिया में आया है, उन्होंने उधर ही लुटा दिया जिधर से ये निकले हुए थे। बैटिंग में जो होना था वो तो हो गया, 246 इतना बुरा नहीं है, बट वो 300 भी नहीं है। मैं तारीफ कर रहा हूँ कि इंडिया ने डोमिनेटिंग बॉलिंग की, क्योंकि सामने वाली टीम है बड़ी खतरनाक है, सामने वाली जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा खतरनाक उनकी बैटिंग है, सामने वाली टीम जो है उसकी अफ्रीका न्यूजीलैंड से ज्यादा खतरनाक बैटिंग है। बहरहाल बहुत अच्छी बॉलिंग की है इंडिया के स्पिनर्स ने और उन्होंने ये बता दिया कि भाई तुम बेस बॉल बाकी दुनिया में जाके खेल सकते हो, एशिया में खेल सकते हो, पाकिस्तान में जाके तुम पाकिस्तान की मर्जी की बनाई हुई पिच पे जाके बेस बॉल खेल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारा राज चलता है। 215 की पार्टनरशिप लगाती है बेस बॉल में ओपनिंग में, भाई उन्होंने पकड़ के इंडिया वालों ने उधर ही घुसा दिया जिधर से ये निकले हुए थे, उधर ही पकड़ के बाहर दिया जिधर से ये बेस बॉल वाले निकले हुए थे। मतलब जो बॉलिंग की है इंडिया के स्पिनर्स ने, स्पेशली रविंद्र जडेजा ने और स्पेशली अक्षर पटेल ने जो बॉल की है वो अनबिलीवेबल बॉल थी जो जॉनी ब्रेयस्टो को पड़ी है। वो मुझे बॉल देख के वो याद आ गया जो स्टीव स्मिथ को वर्ल्ड कप में मारी थी रविंद्र जडेजा ने, जो पीछे से अंदर आई थी। लेकिन भाई इंडिया के क्वालिटी स्पिनर्स होते हैं, इंडिया के क्वालिटी स्पिनर है, वो पकड़ के घंटा बजा देते हैं, वो पकड़ के घंटा बजा देते हैं। बेटा बेटा ये जो बेस बॉल भूत बॉल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में चलती है, ये इधर हमारे आगे नहीं चलती। हमारे आगे बेस बॉल भूत बॉल वाला काम नहीं ले गया ना, हम उधर ही घुसा देते हैं जिधर से निकले होते हो। जो पाकिस्तान टीम का हाल इंग्लैंड ने किया था, एक दिन में पिंडी में 600 रन मारे थे बेटा, उन्होंने इतना मारा था, जैक करोली, बेन डकिट, ऑयली पोप और हैरी ब्रोक्स, इन चारों ने एक दिन में 100 मार दिया था, इन चारों ने एक दिन में पाकिस्तान को ठोक दिया था। अब वो बेस बॉल इंडिया में आया है, अब वो बेस बॉल इंडिया में आया है, उन्होंने उधर ही लुटा दिया जिधर से ये निकले हुए थे। ना अली पोप चला है, ना जैक क्रोली चला है, ना जॉय रूट चला है, ना जॉनी ब्रेयस्टो चला है। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के अंदर इंग्लैंड पूरी टीम 239 रन पर आउट हो गई, जिसके जवाब में बैटिंग करते हुए इंडियन टीम का आगाज ही बहुत तेज हुआ। इंडियन टीम के बैट्समैन ने बहुत तेज स्टार्टअप दिया, लेकिन रोहित शर्मा की बैड लक के वो जल्दी चलते बने, लेकिन यशवी जायसवाल ने जिस तरह आज के मैच में फास्टेस्ट इनिंग खेली है, इतनी फास्टेस्ट इनिंग तो कोई इतनी टीम के खिलाफ ओडीआई फॉर्मेट में भी नहीं खेलता। पाकिस्तानी मीडिया परेशान हो गया, हैरान हो गया, देखिए किस तरह यशवी जायसवाल ने टेस्ट फॉर्मेट को ओडीआई बना खेला है। टोटल 70 बॉल्स पर 73 रन के फास्ट टेस्ट इनिंग खेली है और अभी वो नॉट आउट नहीं है, क्रीज पर मौजूद है, नेक्स्ट डे जाने से अपनी बारी कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जिस तरह यशवी जायसवाल बहुत जल्दी बहुत थोड़े टाइम में क्रिकेट की दुनिया बहुत ऊपर आए हैं, चाहे T20 फॉर्मेट हो, ODI ये बहुत ऊपर आए हैं, क्योंकि इंग्लैंड टीम के पास जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसके पास बहुत तगड़े बॉलर हैं, जिसके अंदर मार्क वुड है, जैक है, टॉम लीच है, इस तरह बहुत बड़े बड़े बॉलर हैं, लेकिन इतनी मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने भी, क्योंकि इंग्लिश जो टीम है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, वो तमाम का तमाम रेड बॉल का मंजा प्लेयर है, लेकिन एक मंजे हुए बॉलर के सामने यशवी जायसवाल जिस तरह फास्टेस्ट क्रिकेट खेली है इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। शुभ अख्तर कह रहा है कि जिस
तरह यशवी जायसवाल ने शॉट्स खेली है, इस शॉट से ये साबित होता है कि यशवी जायसवाल एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। वो बहुत ही कम उम्र में बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हैं, क्योंकि उनकी खुशकिस्मत यह है कि उन्हें विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ खेलने का मौका मिला और ये खेलना उनके लिए बहुत बड़े एक्सपीरियंस साबित हुआ है। इसी बड़े एक्सपीरियंस की वजह से इतनी शानदार शॉट्स खेलते हैं। बाकी मजीद पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि इसी तरह अगर चलता रहा, यशवी जायसवाल जैसा टेस्ट फॉर्मेट में फास्टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसी तरह अगर फास्ट खेलते रहे तो T20 और ODI में तबाही मचा देंगे और आने वाले दौर में इनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं चल रहा, चल रहा है तो सिर्फ इंडिया के स्पिनर्स चल रहे हैं। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की वाट लगाई थी बैटबॉल में, तो आप अंदाजा लगा लो इंग्लैंड इंडिया ने फिर किस तरह इंग्लैंड को रोक के रखा हुआ है। ये इंडिया की ब्रिलियंस है, ये उनकी क्लास है। उनके स्पिनर ओली पोप जिसने पाकिस्तान को बुझाया था उधर पिंडी में, बेटा एक रन बनाया। जॉय रूट जो पाकिस्तान से कभी आउट ही नहीं हुआ, जॉय रूट जो पाकिस्तान से कभी आउट ही नहीं हुआ, चाहे वो पिंडी में ले जाओ चाहे वो इंग्लैंड में ले जाओ, बजा देता उधर पकड़ के 29। बेटा डे वन है, इतनी तो टर्न ही नहीं हो रही, वो इतनी तो टर्न ही नहीं हो रही। अरे अभी तो डे 2, 3, 4, 5 बेटा सारे आने उधर के, तब क्या करोगे? सोचो हाँ, तीसरे दिन पे आप बैटिंग कर रहे हो इसी पिच पे, सामने अश्विन अक्षर जडेजा लगे हुए हैं, बैक टू बैक एक जा रहा है एक आ रहा है। बेटा मैं देखता हूँ रोकते किस तरह हो, छक्का तो दूर की बात है, रोकते किस तरह हो, रोक भी नहीं पाओगे। ठीक है, घंटे के किंग तो ठीक है। इंग्लैंड बुरी तरह एक्सपोज हो गया जी, इंग्लैंड बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। 246 के ऊपर ऑल आउट हो गया है इंग्लैंड। जी हाँ, इंडिया की शानदार डोमिनेटिंग बॉलिंग बेस बॉल को क्या इन्होंने किया फ्लॉप, इंडिया ने इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी शानदार किस्म की पूरे दिन के अंदर बॉलिंग की है, क्योंकि अगर हम स्टैट्स एंड फिगर की बात करें तो हम अपने घर के अंदर बड़ी बुरी तरह से इंग्लैंड के हाथों एक्सपोज हुए थे। इंग्लैंड ने पहले दिन के अंदर 500 रन स्कोर किए थे जो कि रिकॉर्ड बनाया था, और हम उनको ऑल आउट नहीं कर पाए थे, तो ये चीज हमें माइंड के अंदर रखनी चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया ने, ये होती है पिचेस, इसको कहते हैं पिचेस, एशियन पिचेस, पिचेस ऐसी बनाई और शानदार किस्म की बॉलिंग की, इंग्लैंड 246 के ऊपर ऑल आउट हो गया। तो बेन स्टोक्स ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन जसप्रीत बुमराह तो फिर बुमराह है, बुमराह तो फिर आपको पता है बुमराह तो छोड़ता नहीं, और बड़ी विकेट बुमराह ने निकाली। बुमराह ने भी इस पिच के ऊपर 2 विकेट्स निकाले, जो कि बड़ा, इससे पता चलता है कि बुमराह का लेवल कितना बड़ा है, बुमराह कितना शानदार किस्म का बॉलर है, इससे पता चलता है। अश्विन 3 विकेट्स, जडेजा 3 विकेट, 2 विकेट निकाली अक्षर पटेल ने, 2 विकेट्स निकाली बुमराह ने, 246 के ऊपर ऑल आउट कर दिया। इंडिया बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग करके दिखाएगा। इनकेस अगर कोई शानदार किस्म का स्पिनर आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस इंग्लैंड का आ जाए, तब जाके इंडिया को मुश्किल हो सकती है, अदरवाइज मुश्किल नहीं होगी। बैटिंग में जो होना था वो तो हो गया, 246 इतना बुरा नहीं है, बट वो 300 भी नहीं है। मैं तारीफ कर रहा हूँ कि इंडिया ने डोमिनेटिंग बॉलिंग की, क्योंकि सामने वाली टीम है बड़ी खतरनाक है, सामने वाली जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा खतरनाक उनकी बैटिंग है, सामने वाली टीम जो है उसकी अफ्रीका न्यूजीलैंड से ज्यादा खतरनाक बैटिंग है।